बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम प्लेन कर्व टू रेडियस ऑफ कर्वेचर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट कुछ लेक्चर्स में, उसी को आज इंशाल्लाह हम फाइनलाइज करेंगे। कि कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करना सीख रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना, डिफरेंट कर्व्स गिवन थी। अब आपके पास ये एक पोलर फॉर्म ऑफ कर्व गिवन है, कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू इनिशियल लाइन, कि जहाँ पर टेंजेंट इनिशियल लाइन के पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ एंगल फाइंड करेंगे, फिर उसको जीरो के इक्वल रख के थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू के अगेंस्ट आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये काम करना है, टेंजेंट इज पैरेलल टू इनिशियल लाइन, इस कंडीशन को पहले लेकर आना है। इसके लिए थीटा हमें फाइंड करना होगा, तो लेट चेक कि ये कैसे होगा। पहले आप डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा, ये स्ट्रेट अवे हमने कर दिया। अगेन डिफरेंशिएट, एक और डेरिवेटिव लें इसका, तो ये डी स्केयर आर अवर डी थीटा स्केयर माइनस ए कॉस थीटा, ये आ गया। इसको टू का नाम दे दें, ये थ्री आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि अब क्या करेंगे हम लोग, हमने सबसे पहले ना टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ एंगल फाइंड करना है। फॉर दैट सेक आपने ये याद करना है, टेन साई, टेन साई किसकी इक्वल होता है, आर डी थीटा बाय डी आर। आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करें, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा और डी थीटा बाय डी आर, इसका रेसिप्रोकल लेके वन आवर माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा। इज इट, ए को ए से काट दें तो वन प्लस कॉस थीटा का फार्मूला टू कॉस स्केयर थीटा बाय टू, तो ये आ गया माइनस टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। टू टू से कट गया, कॉस स्केयर से कैंसिल हो गया, तो ये अब आ जाएगा आपके पास टेन साई इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाय टू। तो कॉट थीटा बाय टू को कैसे लिखेंगे, टेन साई इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। तो ये माइनस कॉट है ना, तो जब इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई बाई टू के साथ प्लस आएगा। अगर ये प्लस होता तो फिर पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू आता। अब टेन टेन से कट जाएगा, तो साई इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, राइट हो गया। अब लेट एल्फा बी द एंगल, एल्फा बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड इनिशियल लाइन। टेंजेंट और इनिशियल लाइन का एंगल हम क्या ले लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा होता किसकी इक्वल है, ये आपने याद रखना है, थीटा प्लस साई के इक्वल होता है। अगर आप इसको फिगर आउट करें तो ये आपके पास पोज कर ले, ये कर्व है, राइट हो गया। और ये आपने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज व्हाट टेंजेंट। ये टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ एंगल है, दिस इज अल्फा। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास रेडियल सेगमेंट आर है, आर का और टेंजेंट का एंगल साई, और ये आर का इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा। तो किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो जो अपोजिट साइड के इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो अल्फा किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस साई के इक्वल होगा। तो अब थीटा प्लस पाई बाय टू प्लस थीटा बाय टू, तो ये आ जाएगा आपके पास टू थीटा प्लस पाई प्लस थीटा, तो थ्री थीटा प्लस पाई बाय टू, तो ये अल्फा आ गया। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो अब हम करेंगे व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू इनिशियल लाइन, जब टेंजेंट इनिशियल लाइन के पैरेलल होगा तो एट दैट मोमेंट अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा। एक्स एक्सिस को यहां पे आप क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन कहेंगे या पोलर लाइन कहेंगे, दिस इज इनिशियल लाइन या पोलर लाइन या एक्स एक्सिस या ओरिजेंटल लाइन, ये सब एक ही लाइन के नाम है, इनको आपने याद कर लेना है। अब अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करें, थ्री थीटा प्लस पाई बाय टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस पाई बाय थ्री आ जाएगी, राइट हो गया। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय थ्री। अब आपके पास टेंजेंट इज पैरेलल टू इनिशियल लाइन, इस केस को हमने डिस्कस कर लिया कि जब टेंजेंट इनिशियल लाइन के पैरेलल है तो एट दैट मोमेंट थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय थ्री होगी। अब इस वैल्यू को आपने
तीनों इक्वेशंस में पुट करना है, पुट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय थ्री इन वन टू एंड थ्री। तो आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस माइनस पाई बाय थ्री, तो कॉस पाई बाय थ्री कितना होगा 60 डिग्री, तो 1 प्लस कॉस पाई बाय थ्री आ गया। कॉस पाई बाय थ्री 1 बाय टू के इक्वल है, 1 प्लस 1 बाय टू, तो ये 3 बाय टू ए आ गया, राइट। ये आर की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इक्वेशन टू में ये वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास डी आर बाय डी थीटा, इट इज़ माइनस ए इंटू साइन, माइनस बाहर आ जाएगा साइन माइनस पाई बाय थ्री, तो ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो ए इंटू अंडर रूट थ्री बाय टू, तो ये अंडर रूट थ्री ए बाय टू डी आर बाय डी थीटा आ जाएगा, राइट। हो गया, ये आर की वैल्यू आ गई, डी आर बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई। एंड लाइकवाइज इक्वेशन थ्री में आप थीटा की वैल्यू यूज़ करें तो ये डी स्केयर आर बाय डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस की वैल्यू माइनस पाई बाय थ्री आ गया, तो माइनस अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो ए इंटू वन बाय टू, या इसको सिंपली आप लिखेंगे माइनस ए बाय टू, कॉस में थीटा का जो नेगेटिव एंगल का नेगेटिव होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये आपके पास तीन वैल्यूज़ आ गई। अब आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रो इज इक्वल टू आर स्केयर डी आर बाय डी थीटा का स्केयर की थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस डी आर बाय डी थीटा का स्केयर माइनस टू आर डी आर बाय डी स्केयर आर बाय डी थीटा स्केयर का मॉड। ये आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला यूज़ किया। अब इसमें ये सारी आर डी आर बाय डी थीटा डी स्केयर आर बाय डी थीटा स्केयर ये सारी वैल्यूज़ वन बाय वन आप यूज़ करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। चलिए, अब इसमें ना आपने जस्ट क्या करना है, पुट आर इज इक्वल टू थ्री बाय टू ए डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाय टू ए और डी स्केयर आर बाय डी थीटा स्केयर ये पुट करेंगे माइनस ए बाय टू। तो ये अब आपने सब्स्टिट्यूट करके जहां तक सिंप्लीफाई करना होगा कर लीजिएगा, इट इज डन। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट वेयर कैपा इज मैक्सिमम, यानी किस पॉइंट पे कैपा मैक्सिमम होगा, तो कैपा को मैक्सिमाइज करना है। तो उसके लिए पहले हम कैपा फाइंड करते हैं, आफ्टर दैट वी प्रोसीड फॉर मैक्सिमाइजेशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यह आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग का वन ओवर एक्स आ जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स एक्स की माइनस वन, अगेन डिफरेंशिएट डी स्केयर वाई अवर डी एक्स स्केयर माइनस वन एक्स की माइनस टू आ गया, तो इसको लिखें वन बाय एक्स और ये आ गया डी स्केयर वाई अवर डी एक्स स्केयर माइनस वन अवर एक्स स्केयर। अब आप कैपा का फार्मूला यूज़ करें, कैपा किसकी इक्वल होता है, डी स्केयर वाई अवर डी एक्स स्केयर का मॉड अवर वन प्लस डी वाई अवर डी एक्स का स्केयर की पावर थ्री बाय टू। तो डी स्केयर वाई अवर डी एक्स स्केयर किसके इक्वल है, ये है माइनस वन अवर एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन अवर एक्स का स्केयर की थ्री बाय टू। तो कैपा आपके पास क्या आ जाएगा, वन अवर एक्स स्केयर एलसीएम लें एक्स स्केयर प्लस वन की पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, राइट। हो गया, अब ये स्केयर इस क्यूब से कैंसिल होगा, तो ये कैपा इज इक्वल टू एक्स अवर एक्स स्केयर प्लस वन की पावर थ्री बाय टू, ये आ गया। अब हमने कैपा को मैक्सिमाइज करना है, तो जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो अब इसके हम क्या करेंगे, दो डेरिवेटिव्स लेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू डिटरमिन करेंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यूज़ यूज़ करके टेस्ट करेंगे कि किस पॉइंट पर या एक्स की किस वैल्यू के अगेंस्ट ये फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा। एक्सरसाइज
7.2 हमने आपके साथ शेयर किए हुए लेक्चर्स, उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जा सकता है। इसका पहले लॉग ले लेते हैं डेरिवेटिव लेने से पहले, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा काम। ln ऑफ कैपा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें यहाँ पे, राइट हो गया। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी में जो डिवाइड अगर हो रहे हैं ना ऊपर नीचे, ये लॉग की दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ होंगी। जब लॉग अलग अलग करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, और पावर है अगर m की पावर n तो पावर स्टार्ट में ln ऑफ m आ जाएगा। अच्छा जी, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 1/kappa d kappa by dx, ये log x का 1/x माइनस 3/2 1/x² + 1 इंटू 2x आ गया। 2 से कैंसिल कर दें, कैपा को इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और साथ ही साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं, x² + 1 आ जाएगा x² + 1 माइनस 3x², राइट हो गया। तो ये आ जाएगा कैपा इंटू 1 - 2x² डिवाइडेड बाय x³ + x, तो ये डी कैपा ओवर डी एक्स आ गया, राइट। डी कैपा ओवर डी एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हमने इसका ना एक और डेरिवेटिव लेना है, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। ये पहले प्रोडक्ट रूल लगाना है, डी कैपा बाय डी एक्स, तो ये डी के बाय डी एक्स इंटू ये सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा 1 - 2x² डिवाइडेड बाय x³ + x प्लस कैपा एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लेंगे आप तो पहले डिनोमिनेटर है, ये कोशेंट रूल अब लगेगा इसके ऊपर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो यह आ जाएगा -4x - 1 - 2x² 3x² + 1 डिवाइडेड बाय x³ + x का होल स्केयर। ये आपके पास क्या आ चुका है, सेकंड डेरिवेटिव भी आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर मोर इसको फिलहाल एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बाद में हम देख लेंगे कि कितनी सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम मीन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ के लिए, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने जीरो के इक्वल पुट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करें, 1 - 2x² डिवाइडेड बाय x³ + x इज इक्वल टू जीरो, 1 - 2x² इज इक्वल टू जीरो, 1 = 2x², x² = 1/2, x = 1/√2 प्लस माइनस के साथ। अब ये दो वैल्यूज आ रही हैं, अब इनको बारी बारी हमने चेक करना है कि किस पे ये जो इक्वेशन 3 है ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। पुट x = 1/√2 इन 3, 3 में आप यूज़ करें इसको, तो d² kappa / dx² ये d² है, कैपा बाय dx² x = पहले आपने 1/√2 पुट करना है, तो ये d² kappa / dx जीरो के इक्वल है। देखें इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखें d² kappa / dx जीरो के इक्वल है, तो d² kappa / dx की जगह पे जीरो पुट करेंगे, प्लस कैपा को एज इट इज रहने दें क्योंकि ये पॉजिटिव ही होता है, तो इधर आ जाएगा 1/√2x³ प्लस 1/√2x और ये -4/√2 और ये 1 - 2x² जीरो के इक्वल है, ये देख सकते हैं 1 - 2x² जीरो, तो इसको जीरो कर दें, तो यह आ जाएगा -0/(1/√2³) प्लस 1/√2² तो कैपा इंटू 1/2 + 1 -4/2 डिवाइडेड बाय, इसमें से 1/√2 कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 1/2 + 1 का होल स्केयर। तो अब देखिए ये नेगेटिव आंसर आ रहा है बिकॉज ओनली माइनस इज अवर हेयर, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव आ गया। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम एट x = 1/√2, तो ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा, अगर आप नोट करें तो नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह आपने दूसरा पॉइंट भी चेक करना है,
पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर अंडर रूट टू इन थ्री, तो जब माइनस पुट करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके पास ना प्लस में वैल्यू आ जाएगी। चेक करके देख लीजिएगा बेरकाफ, डी कैपा बाई डी एक्स स्केयर माइनस वन ओवर अंडर रूट टू, अब आपने यूज़ करना है तो ये आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपके बार, तो क्या लिखेंगे, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई अंडर रूट टू। तो सो हमने मैक्सिमम वाला केस लेना है, एक्स इक्वल टू वन बाई अंडर रूट टू इन वन, इसको आप वन में पुट करें तो वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ वन ओवर अंडर रूट टू, तो यह आ गया एल एन ऑफ वन माइनस एल एन ऑफ अंडर रूट टू लॉग वन, जीरो के इक्वल होगा वन बाय एल एन ऑफ टू। तो ये अब आपके पास वाई पॉइंट भी आ गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाएं तो वन बाई टू एल एन ऑफ वन बाई टू ये भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट जो आपके पास आएगा वन बाय अंडर रूट टू, और यह आ गया वन बाई टू एल एन ऑफ वन बाई टू। तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मैक्सिमम, सॉरी कर्वेचर मैक्सिमम होगा। अच्छा जी, अब ये आपको ना पैराबोला की एक इक्वेशन गिवन है, अब इस पैराबोला की इक्वेशन को लेकर कहते हैं प्रूव करें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मिनिमम होगा पैराबोला के वर्टेक्स पे। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स डिटरमिन करते हैं और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमिन करके जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसके तरीके से उसको मिनिमाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले ना एक्स स्केयर, इसका ना स्केयर कंप्लीट करेंगे पैराबोला के लिए। पैराबोला की अभी हम इक्वेशन लिखेंगे कुछ ही लंबे बाद, तो आपने क्या करना है, पैराबोला के लिए ए कॉमन ले पहले दो में से, एक्स स्केयर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी, राइट हो गया। अब आपने करना कुछ यूँ है कि वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्केयर प्लस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, राइट, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यह आ गया प्लस सी। अब ये ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर चाहिए, तो आप इसका स्केयर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, दिया जाएगा ए इंटू एक्स स्केयर प्लस टू बी बाय टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्केयर माइनस बी बाय टू ए का स्केयर प्लस सी, ये आ गया। अब आप इसको लिखेंगे ए इंटू एक्स स्केयर प्लस बी बाय टू ए का होल स्केयर माइनस बी स्केयर बाय फोर ए स्केयर प्लस सी, राइट हो गया। आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ए इंटू एक्स स्केयर प्लस बी बाय टू ए का स्केयर माइनस बी स्केयर बाय फोर ए प्लस सी। अब इन दोनों को इस साइड पे लें, सी को और बी स्केयर बाय फोर ए को, यह आ जाएगा माइनस का प्लस बी स्केयर बाय फोर ए माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, ये स्केयर कंप्लीट करेंगे तो ये होल स्केयर आएगा, एक्स के ऊपर स्केयर नहीं आएगा, प्लस बी बाय टू ए का होल स्केयर। अब मैं इसको स्केयर वाली को इस साइड पे लिखने लगा हूँ, बाकी दूसरी तरफ लेकर जाने लगे हैं, तो लेट चेक के ये थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट करनी है ताकि हम इसे पैराबोला की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकें। तो यह आ जाएगा माइनस वन बाय ए, सॉरी वन बाय ए इंटू वाई माइनस माइनस बी स्केयर बाय फोर ए प्लस सी, ये आ गया। हमने नेगेटिव इन दोनों में से ना कॉमन ले लिया, तो जब नेगेटिव कॉमन लेंगे ये प्लस का माइनस हो जाएगा एंड। अब इसको हम कंपेयर करेंगे पैराबोला की इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विद जब कंपेयर करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्केयर, ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लें, वाई माइनस के का वाई माइनस के। तो अब एच किसके देखें, एक्स माइनस एच की जगह ले रहा है माइनस बी बाय टू ए, और k की जगह कौन ले रहा है, दैट इज माइनस बी स्केयर बाय फोर ए प्लस सी। तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स आप नोट कर लें, v ऑफ एच के ये वर्टेक्स होगा, तो v ऑफ एच की वैल्यू माइनस बी बाय टू ए, राइट हो गया, एंड c माइनस बी स्केयर बाय फोर ए, ये k हो गया। तो दिस इज द वर्टेक्स। अब हमने प्रूव ये करना था कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पैराबोला का वो मिनिमम होगा एट वर्टेक्स।
तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आप देख सकते हैं, उस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास इसके दो डेरिवेटिव्स होने चाहिए। तो दो दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लें डी वाई बाय डी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा टू ए एक्स प्लस बी, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करें तो डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर, तो ये आ जाएगा टू ए, राइट हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रो इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्केयर का की पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय सेकेंड डेरिवेटिव डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर का मॉड। अब ये वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो रो इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई और डी एक्स की वैल्यू दैट इज व्हाट, टू ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर की पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय टू ए। अब हमने इसको मिनिमाइज करना है, तो जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसके ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, दैट इज सिंपल टू अप्लाई। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए इसके दो डेरिवेटिव्स लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें पहले डी रो बाय डी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू वन प्लस टू ए एक्स प्लस बी का स्केयर की पावर थ्री बाय टू माइनस वन, और ये अंदर वाले का अगेन डेरिवेटिव टू इंटू टू ए एक्स प्लस बी, और ये आ जाएगा टू ए डिवाइडेड बाय ये टू ए भी है, टू ए से कैंसिल हो जाएगा, ये एक टू इस टू से कट जाएगा, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा डी रो बाय डी एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू वन प्लस टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर थ्री बाय टू एंड टू ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब रो का सेकंड डेरिवेटिव भी हम लेंगे, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी स्केयर रो बाय डी एक्स स्केयर, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले इसका डेरिवेटिव लें, ये एज इट इज लिखें, ये लिखेंगे थ्री इंटू वन प्लस टू ए एक्स प्लस बी का स्केयर की पावर थ्री बाय टू, तो यह आ जाएगा टू ए प्लस। अब आपने फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड वाला एज इट इज आएगा, तो थ्री एज इट इज लिखेंगे और फिर डेरिवेटिव लें थ्री बाय टू वन प्लस टू ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर की पावर थ्री बाय टू, राइट हो गया। और फिर अंदर वाले का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो यह आ जाएगा टू ए एक्स प्लस बी का स्केयर था ना, तो ये पावर स्टार्ट में आएगी, तो टू टू में से एक वन, तो ये टू ए आ जाएगा, राइट हो गया। ये एक टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, तो हम टू ए कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, और थ्री बी कॉमन ले लें, थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स ए कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस टू ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर की पावर थ्री बाय टू प्लस एक थ्री अंदर बचेगा, वन प्लस टू ए एक्स प्लस बी का स्केयर की पावर थ्री बाय टू माइनस वन होगी ये, तो इट इज़ वन बाय टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा टू ए एक्स प्लस बी, और सिक्स ए तो टू ए टू थ्री जा सिक्स ए कॉमन ले लिया बाय। अब ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव भी आ चुका है। अब आपने करना ये है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, पुट डी रो बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो डी रो बाय डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करें, तो थ्री इंटू वन प्लस टू ए एक्स प्लस बी का स्केयर की होल पावर थ्री बाई टू, टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको जब जीरो पुट करेंगे ये तो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज ये स्केयर है पॉजिटिव है, तो ये वन भी पॉजिटिव प्लस 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 ही आएगा, तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो इट्स मीन टू ए एक्स प्लस बी ये जीरो के इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाय टू ए। अब इसे सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करें, पुट इन थ्री
तो आ जाएगा डी स्केयर रो बाय डी एक्स स्केयर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए इज इक्वल टू सिक्स ए इंटू वन प्लस ये टू ए एक्स प्लस बी, ये तो जीरो के इक्वल है टू ए एक्स प्लस बी, तो इसको स्ट्रेट अवे जीरो कर दें कि होल पावर थ्री बाय टू और ये भी टू ए एक्स प्लस बी जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये सिक्स ए पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे मिनिमम, अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन मिनिमम होता है उस पॉइंट पे, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, तो ये मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। तो आप वर्टेक्स में देखिए एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का यही है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस बी बाय टू ए इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो विच इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, यही हमने प्रूव करना था कि जो पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो मिनिमम होगा एट इट्स वर्टेक्स, इस पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके वर्टेक्स पे मिनिमम होगा, तो ये हमने पहले वर्टेक्स के लिए इसको जनरल फॉर्म में लेकर गए स्केयरिंग कंप्लीट करके, आफ्टर दैट इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करके वर्टेक्स डिटरमिन किया, फिर आपने दो डेरिवेटिव लेके रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड किया, और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने कैसे लगाना है कि पहले दो डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, उसे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो मिनिमम मैक्सिमम होता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास पीडल इक्वेशन गिवन हो किसी कर्व की, पीडल इक्वेशन इज व्हाट, कि जब भी आप किसी कर्व के अगेंस्ट ये फॉर्म लेकर आते हैं आर इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, और आपके पास जो करंट पॉइंट होता है उसका रेडियल सेगमेंट की लेंथ है और पी जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, मीन अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ये सपोज कर लें कर्व है, या आपके पास कोई करंट पॉइंट पी है, इस पी से को जब ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये आर मिलेगा। अब यहाँ पे टेंजेंट डिटरमिन करें, इसको थोड़ा सा हम बेंड करते हैं, ये टेंजेंट आप फाइंड करें लाइक दिस, ये सपोज कर लें पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट फाइंड किया, तो अब ओरिजिन से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये पी आ गया, तो जब पी और आर को आप, यानी आर को एज अ फंक्शन ऑफ पी या पी को एज अ फंक्शन ऑफ आर आप एक्सप्रेस करेंगे तो एट दैट मोमेंट इसको क्या कहेंगे कि ये आपके पास पीडल इक्वेशन है। तो ये पीडल इक्वेशंस कुछ गिवन है आपको, इनको लेकर आपने रेडियल रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट आपको पी का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पी को हम अलग किया करेंगे, उसका आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके इस फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो इट इज क्वाइट सिंपल, तो डेरिवेटिव लें इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। अच्छा जी, अब आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आ जाएगा टू पी और पी का फिर अगेन डेरिवेटिव डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू ए आर, डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू ए आर बाई टू पी। अब आपने करना ये कि आर से ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, अब आपने फार्मूला लगाना है, सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रो इज इक्वल टू आर डी पी बाय डी आर, और डी पी बाई डी आर की वैल्यू पुट करें ए आर बाय टू पी, तो ये आ जाएगा ए आर स्केयर बाय टू पी, तो इट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर वेन एवर पीडल इक्वेशन इज गिवन। अब इसका भी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसको ऊपर ले जाएं, डी बाई डी आर पी की पावर माइनस टू, डी बाई डी आर आर की माइनस टू, और बी कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो, डी पी बाई डी आर माइनस टू आर की माइनस थ्री, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो अब आ जाएगा माइनस टू पी की माइनस थ्री, डी पी बाई डी आर माइनस टू ए आर की माइनस क्यूब, डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस टू से कैंसिल हो गया,
किया जाएगा ए आर की माइनस थ्री और पी की माइनस थ्री। अब आपने करना कुछ यूँ है, डी पी बाय डी आर किया जाएगा ए पी क्यूब और आर क्यूब। अब आर इसका ना फार्मूला पुट कर दें, सिंस रो इज इक्वल टू आर डी पी बाय डी आर, तो आर की वैल्यू आर की नहीं सॉरी ये डी आर डी पी बाई डी आर की वैल्यू पुट करें ए पी क्यूब अवर आर का क्यूब, तो रो विल बी इक्वल टू ए पी क्यूब अवर आर स्केयर। तो ये आंसर आ जाएगा, दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर। लाइकवाइज आपने इसमें भी यही काम करना है, पी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर अवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर। तो पी स्केयर इसको ऊपर ले जाएं, ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर की पावर माइनस वन, तो डी बाय डी आर डेरिवेटिव भी अप्लाई कर दे दोनों साइडों पे, तो आ जाएगा टू पी की टू माइनस वन यहाँ पे पावर रूल डी पी बाय डी आर पी का अगेन डेरिवेटिव, तो आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर माइनस के साथ ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर की माइनस टू, और यह आ जाएगा माइनस टू आर, टू टू से आर पार कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा पी डी पी बाय डी आर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर आर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर का होल स्केयर। पी को डिवाइड करें दूसरी साइड पे जाके और जस्ट फार्मूले में ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ए स्केयर बी स्केयर आर अवर पी स्केयर पी इन टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर का होल स्केयर। सिंस रो इज इक्वल टू आर डी पी बाय डी आर, तो आर इन टू ए स्केयर बी स्केयर आर डिवाइडेड बाय पी इन टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आर स्केयर का होल स्केयर।